हेलो क्लास सिक्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हाउ आर ऑल आई होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन दिस क्लास इन ग्रामर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कोज और रीजन ठीक है कोज और रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत देखिए क्या है कि इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कोज जो होता है या फिर रीजन बता रहा है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इंट्रोड्यूस करता है जैसे क्योंकि बिकॉज एज सिंस दैट अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें उदाहरण की तो आई डांस बिकॉज आई लाइक डांसिंग मैं नृत्य करता हूँ क्यों क्योंकि मुझे नृत्य करना पसंद है ठीक है सेकेंड मिस्टर शर्मा थिंक्स ही कैन गेट एनी थिंग बिकॉज ही इज ही इज रिच मिस्टर शर्मा सोचते हैं कि वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे क्यों क्योंकि वो धनी है या धनवान है ठीक है अमीर है शी सिंस शी हैज़ एपोलोजाइज वी विल नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन अब जबकि वो माफी मांग चुका है ठीक है अपोलोजाइज कर चुका है तो हम पुलिस स्टेशन पुलिस थाना नहीं जाएंगे है ना Uh, ये इस सब में आप देख रहे हैं कि क्या बता रहा है इसमें सभी सभी में रीज़न बता रहा है एस ही वॉज नॉट देयर ठीक है आई लेफ्ट द की विथ हिज नेवर आप देख लीजिए सबोर्डिनेट क्लॉज है मतलब कि दूसरे uh, सबोर्डिनेट कंजंक्शन है ये दूसरे चीज दूसरे पे डिपेंड है आई लेफ्ट द की विथ हीज नेवर वाई बिकॉज एज ही वॉज नॉट देयर है ना नेक्स्ट आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम आप देख रहे हो यहाँ कंजंक्शंस में क्या क्या आ रहे हैं बिकॉज एज सिंस एंड दैट है ना तो आप देखिए ये कंजंक्शंस है दैट हो गया एज हो गया है ना सिंस हो गया उसके बाद बिकॉज हो गया उसके बाद दैट हो गया दैट हो गया ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं मतलब कि एक तो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट हैं ऊपर से कंजंक्शन का काम कर रहा है ना तो ये रहा आपका एडवर्ब क्लास ऑफ कोर्स और रीजन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक्सरसाइज जब करने बैठेंगे तो यही सब चीज़ों का उसमें आपको समावेश होगा चलिए एडवर्व ऑफ कंट्रास्ट हम पढ़ेंगे ठीक है देखिए एडवर्व क्लोज ऑफ adverb clauses of contrast are introduced by subordinating conjunctions although though even though even even if even though even if while and whereas है ना though and although अब देखिए क्या है इसमें इसको ध्यान से देखिएगा कहता है कि एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये भी सबऑर्डिनेटिंग ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही हैं है ना कैसे कैसे इसमें क्या हो रहा है कि पिछले वाले में आपने देखा कॉज और रीजन बता रहा था लेकिन इसमें क्या है कंट्रास्ट शो कर रहा है है ना जैसे ऑल दो दो इवन दो इवन इफ वाइल एंड वेयर एज थ्रू एंड ऑल दो दो एंड ऑल दो बहुत दीज वर्ड्स कैन बी यूज एज कंजंक्शंस विद द सेम मीनिंग है ना सेम मीनिंग के साथ ये दोनों वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं ठीक है दो एंड ऑल दो मीनिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इवन इफ एंड सिमिलर आइडियाज है ना दो ही इज रिच ही इज ऑलवेज क्रेविंग फॉर मोर अब जबकि वो इस कहा जाना के बजाय के बावजूद है ना इन इन स्पाइट ऑफ के बावजूद रिच होने के बावजूद जो है वो और ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है ऑल दो यू हेट मी आई विल ऑलवेज लव यू अनकंडीशनली ठीक है बावजूद इसके कि तुम मुझे हेट करते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ठीक है आई वुड लाइक टू वॉच दैट मूवी ऑल दो इट इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग ठीक है ये मैं जानता हूँ कि इसका इस मूवी को देखने का कोई मतलब नहीं है फिर भी मैं इसे देखना पसंद करना पसंद करूँगा ठीक है आगे देखें इवन इफ एंड इवन दो ध्यान देंगे इवन इज नॉट यूज एज ए कंजंक्शन इवन जो है कंजंक्शन के तौर पे इसको हम इसका उपयोग नहीं कर सकते प्रयोग नहीं कर सकते हैं बट वी कैन यूज़ इवन इफ़ एंड ईवन दो टू कनेक्ट टू क्लोजेस दो क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए हम इवन इफ या फिर इवेंट दो का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें अगर आई विल गो इवन इफ़ यू फॉरविड मी टू ठीक है मतलब कि अब जब बावजूद तुम अरे एक सेकेंड आई विल गो इवन इफ यू फॉरविड मी टू ठीक है तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं जाऊंगा, ठीक है अगर तुम तो मुझे मना भी करते हो तो भी मैं जाऊंगा, तो भी इवन इफ तो भी तब भी आई एन्जॉयड द फिल्म इवन दो आई हैड एन इम्पोर्टेंट वर्क टू डू है ना? आई एन्जॉयड द फिल्म इवेंट ठीक है करें कि फिर भी मैंने आ, मेरे मुझे जो है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य करना था फिर भी मैंने फिल्म को इन्जॉय किया है ना यही बात है आगे देखें द मैन मैनेज टू सर्वाइव इवन दो हीड फॉलन फ्रॉम द फिफ्थ फ्लोर ठीक है कह कि ही हेड फॉलन फ्रॉम द फिफ्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर से फॉलोन होने के बावजूद जो है वो सर्वाइव कर दिया ठीक है मैन जो है मैनेज सर्वाइव करने में मैनेज मैनेज किया उसके बाद आगे देखेंगे हम वाइल्ड एंड वेयर एस है ना तो वाइल कैन मीन ऑल दो वाइल्ड मतलब मीन एग्जाम्पल के देखेंगे तो वाइल्ड आई एडमायर योर करेज आई थिंक यू ऑट नोट टू गो ऑन दिस डेंजरस जर्नी जब मैं तुम्हारी करेज को एडमायर कर रहा हूँ तो आई थिंक यू टू तब तब तुम्हें जो है डेंजरस जर्नी नहीं करनी चाहिए वाइल इट इज़ टू दैट आई हैव सम्स एंड हाउसेज आई डो नॉट है dash to invest in the industry where right? Whereas John had uh, whereas John had more, more enemies than friends his brother was extremely popular okay? so, Adverb clauses tells the place time cause and purpose of action they can also show cause and condition basically they answer the questions where when why and under what conditions ओके okay? तो इसको देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टू क्लास थैंक यू